इसके उस तरफ क्या व्यू है कोई पता नहीं, अभी चेक करते हैं। हो इधर तो कोई व्यू ही नहीं है। ये तालाब, ये व्यू है जी। ये पानी इन्होंने स्टोर करने के लिए जब बारिश वगैरह होती है तो पहाड़ों से इस तरह मतलब पानी जो भी आता है, ये देखें आप छोटी छोटी नालियाँ, तो इसमें आके गिरता है, ये स्टोर हो जाता है ये जानवरों वगैरह के लिए। भाई को आ गया सख्त, सांस फूल गया भाई को, तो बेहोश होने वाले हैं, मैं खुद बेहोश होने वाला हूँ। ये देखें आप, ये टावर के साथ एक दरबार है, वो भी टावर के साथ दरबार है, वो दिखाते हैं आपको। और मेरा मकसद था हमारा टावर के पास आना, क्योंकि टावर हमारे घर से नज़र आता है और हमारा घर उधर है। देखते हैं अभी घर टावर से नज़र आता है या नहीं। फाइनली हम पहुंच गए इधर, ये हमारा शहर है, ये पूरी हम चढ़ाई चढ़ के आए हैं इधर से। ये देखें जी कुदरती तौर पे बिल्कुल चकोर स्केयर टाइप पत्थर। I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. ये पुल पाकिस्तान में है, इसे मेन जी देते हैं, तो ये आता है। कश्मीर का सबसे, कश्मीर का जितनी कोटली है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची जगह है। यहाँ पे लाइट वगैरह का इशू होता है, इस वजह से सोलर पे चलता है ये, मतलब किसी भी सर्विस का जो खंभा वगैरह होता है। ब्यूटीफुल कश्मीर मेरा देश, नीचे देखें ये देखें, अगर हाइट पे ये जो लाइट लगी होती है कोई जहाज वगैरह हो, मतलब उसको इशारा देने के लिए कि मतलब इतनी हाइट पे है जगह, मतलब कि जहाज इससे और ऊपर है, ये इतनी मतलब हाइट है। देखें आप ये खूबसूरत नीचे गांव है, कितना खूबसूरत है, देखें आप। ये मैं आपको दिखाता हूँ, अजान भी हो रही है, अजान तो ये ट्रैक है जरा हम जा रहे हैं, कह सकते हैं आपके आइकन ट्रैक या वर्ड ऑफ इस्लामाबादी इस कश्मीरी है। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। साथ
यार जिसका बात का डर था वही मैं यार, मैं स्लिप हो गया इधर। ओ यार इधर जाके लगाऊं मैं कसम से। यार क्या हुआ मेरे साथ ये कसम से, बहुत अच्छा अच्छी हो गया इधर मैं साथ साथ आया यार, मैं गिर गया अभी तो इधर से नीचे हो जाऊंगा बिल्कुल। एक तो मैंने ये शूज पहने हुए हैं स्लिपिंग वाले, यार ये किस लिए पहन के आया था मैं कसम से, टह गया हूँ मैं। ये देखें जी, ये भाई देखें मेरे साथ शरारतें कर रहे हैं अभी अपने हाथ में। वो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, अच्छा सीट बैठने के लिए और ये खूबसूरत व्यू, साथ ही इधर बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। हम सुकून से बैठे हैं यार, बहुत ही मज़े की जगह है कसम से, जो अभी मैं गिरा हूँ ना बहुत ही मज़े की जगह है ये कसम से, और अभी जो मैं गिरा हूँ ना उसकी वजह से मेरी बैग पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, मोच आ गई है, तो अभी कैमरा मैन पकड़ेंगे। ये देखिए छोटा सा घर किसी ने बनाया है, रास्ता देखिए बिल्कुल साफ सुथरा, कच्चा रास्ता जा रहे हैं हम पहाड़ के ऊपर, देखते चल के आगे ज़्यादा ठंड लग रही है, पता नहीं क्या बनेगा वापस जाते हुए। ये सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है इसे कोरा बोलते हैं, बर्फ़ टाइप होता है ये। ये देखिए आप इतनी ऊँची जगह पे आ गए यार, ठंड मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। कश्मीर पहले हम उधर थे उस खम्बे के पास, अभी मेरे जो है ना हाथ बिल्कुल ठंडे बर्फ हो चुके हैं। भाई को मैंने चेक करवाया, वो भाई कह रहे हैं जी कि आप में किसकी कमी, ब्लड की कमी, उसकी वजह से मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मुझे भी है गर्मी, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता भी सही से नहीं कर पाता। सर्दी की शिद्दत को महसूस करते हुए हम अभी वापस जा रहे हैं, तो कैप मैंने रख लिया सर पे, स्लिप हो जाता है तो बड़ी एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। गंगा चोटी गए थे मैं और उस्मान, वापस आते हुए शूज़ उतार के नीचे आए थे, इस वजह से हम आप लोगों से पहले पहुंच गए थे। ये नीचे से नाला जा रहा है ये वाला, तो जब बारिश आती है इसमें पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। जी बैठक बलोच, बैठक बलोच शहर गैल गजन, ये गैल गजन का शहर है, मतलब बाजार है, ये आगे रोड वगैरह जाते हैं। ठंड की शिद्दत
शिद्दत को महसूस करते हुए मैंने अपना पैकिंग कर लिया है तो अभी जा रहे हैं वापस तस्लीम भी हो जाते हैं तो वही मैं जा रहे हैं के शॉर्ट्स को उसमें आप क्या कहते हैं इस बारे में एक खुद वीडियो में बाकी पांच देखते हैं जी व्यूज के तो सीन्स के सीनरी के वगैरह के ले लिए क्लिप वगैरह तो आगे व्लॉग बनाऊंगा तो देखते हैं क्या व्यूज रिएक्शन आता है तो बहुत मेहनत की है इस व्लॉग के पहले जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है और खुद गिरा भी इस व्लॉग के लिए देखते हैं क्या फिर आगे शायद सूर्य भी डूब होने वाला है और मैं बिल्कुल अभी जिस हालत में हूँ सर्दी की वजह से मेरे हाथ वगैरह बिल्कुल जम गए अभी जाना भी हमने बाइक पे है वापस तो देखते हैं आगे क्या होगा हाँ हमारा प्रोग्राम था आगे इधर से चार बिहार जाने का पर ये इधर कैंसिल हो गया क्योंकि वापस आते हुए बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह हो जाएगी तो मसला हो जाएगा तो इस वजह से अभी हम घर जाएंगे वापस तो आगे वाला व्लॉग जो होगा ना वो हम बनाएंगे उधर का और दो तीन और जगह उधर जाएंगे हम तो उस जगह का कैप्चर वगैरह करेंगे बाइबली पकड़ते हैं जोश आ जाता है कभी कभी बंदे को कोई मसला नहीं है एक बार फिर से वो आगे कुत्ता भी आ गया पर इसकी मुझे लगता है इसके साथ दोस्ती है मुझे लगता है इसके साथ इसकी दोस्ती है इधर हमारा शूटर होता ना वो इसे बताता कि किस तरह बिल्ली को पकड़ते हैं हम एक शॉप पे आए थे फोन चेक करें अभी बिल्कुल रात हो चुकी है तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर के लिए निकल रहे हैं तो देखते हैं घर पहुंच के अभी पाँच छः हो गए तो घर पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है कितना टाइम लगेगा ऑलमोस्ट दो अढ़ाई घंटे लग जाएंगे घर जाते जाते बहुत इधर आए थे अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा है ऊपर वैसे गए हुए थे अभी हम इस शॉप पर गए थे इधर काम खाते चलो जी अब बहुत मज़ा आने वाला है अभी असली मज़ा आएगा अभी पता चलेगा ठंड का तो सिर्फ आप लोगों के लिए देखें हमने क्या कुछ नहीं किया ये पुराने घर सूरज ग़ुरूब होने के बावजूद ऊंचाई की वजह से आप देख सकते हैं सूरज की छाया और आखिरकार फिर घर पहुंच गए तो अभी बाजार से जा रहे हैं तो इस व्लॉग को इधर ख़त्म करते हैं अल्लाह हाफिज़ गुड बाय